अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, क्या हाल है। मैं हूं कामरान, आप देख रहे हैं माय बिजनेस सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने पोस्ट की थी, स्कूल पंजाब स्कूल जो मिल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को, तो उसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा एक वीडियो बना लेता हूं और इस वीडियो को बड़े गौर से और बड़े तामुल से देखिएगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है जी। जैसे कि सिंध में सेफ देता है तो पंजाब में पेफ देता है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। सेम प्रोसेस है लेकिन प्रोविंस दूसरा है। तो उन्होंने अनाउंस किया है सेकंड फेज। ठीक है जी। उसमें वो उन्होंने 5-6 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, तो ताकि सब अप्लाई कर सकें। तो मैं आपको एक एक कैटेगरी बताता हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट बताता हूँ और उनका प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है जी। और अगर आपको अप्लाई करना है तो फिर अप्लाई भी कीजिएगा, और मुझसे अप्लाई करवाना है तो भी हम कर देंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है जी। आ जाते हैं पहले तो यूथ ग्रुप। ठीक है। उन्होंने एक यूथ ग्रुप बनाया है। उसमें यूथ ग्रुप ऐसा है कि जो मतलब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो, ठीक है, लेकिन उसमें से एक जो हो वो क्वालिफाइड हो स्कूल चलाने के लिए, मतलब उसको स्कूल का तजुर्बा हो कम से कम 3 साल। ठीक है। वो 3 अप्लाई करेंगे, बेशक एक अप्लाई करेगा लेकिन 3 जो हैं वो उसके साथ टीम होगी। उसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो टीम आपस में है नहीं। अगर आप आपस में पार्टनरशिप डीड कर लें तो वो बड़ा वैलिड होगा, क्योंकि फ्यूचर में जब आपको पैसे मिलेंगे तो आपको लड़ाई वगैरह नहीं होगी जो होती है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा मतलब। ठीक है। और उनकी NIC होगी, CV होगी, बस ये है रिक्वायरमेंट। ठीक है। और उसकी फ़ी है जो गवर्नमेंट 10,000 है, ये मैं बता दूँ आपको। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है इंडिविजुअल। ठीक जी। अच्छा, इन जो यूथ ग्रुप का मैंने बताया उसमें एज होती है वो फाइनल 40 ईयर, क्योंकि वो यंग से बच्चे होते हैं ना, जो 23 साल के बाद जो ग्रेजुएट होने के बाद वो 40 ईयर के बीच में। ठीक जी। उसके अलावा कुछ और फॉर्म्स हैं, एफिडेविट है, वो भी मिल जाएंगे आपको, वो भी आप साइन करके, वो बने बनाए बस साइन करके देने हैं। ठीक है। देन सेकेंड कैटेगरी है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में 65 साल तक हो, ठीक है, उसके एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, 5 से 7 साल हो, अगर कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो, यूनिवर्सिटी से रिटायर कोई हो, गवर्नमेंट से अभी लिंक ना हो, तो वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा, वो 7 स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी। और इंडिविजुअल भी 7 स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है, यूथ के लिए भी 7 और इंडिविजुअल के भी 7। ठीक है। और एक करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा पुलिस से, वो लेगा, कुछ एफिडेविट है वो भी प्रिंट आउट है वो साइन करके देगा, और उसकी फ़ी भी 10,000 है। ठीक है जी। और 7 स्कूल कोई भी ले सकता है। ठीक है। वो फिर अपनी टीम बना सकता है या कैसे भी करके खिला सकता है, उसमें टीम को शो करना ज़रूरी नहीं है। ये हो गए 2। तीसरा है एड टेक, मीन्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मीन्स कोई स्टार्टअप है या कोई ऐसी कंपनी जो एजुकेशन पर काम करती है, जैसे फ्रेंचाइज बेस्ड स्कूल्स हैं, आपको पता होगा मतलब जैसे लाइट हो गया अभी कनाउस, तो वो भी है। ठीक है। वो SEC पे रजिस्टर्ड हो फर्स्ट ऑफ ऑल, टीम हो, जितने भी टीम हो, 3 हो 4 हो 7 हो, कोई मसला नहीं, उसमें भी कोई एक लीडिंग रोल करके, और उसकी भी रिक्वायरमेंट यही है। ठीक है जी। उसका भी एफिडेविट अगर आ गया, लेकिन उसका पुलिस सर्टिफिकेट से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है। सिर्फ पुलिस सर्टिफिकेट इंडिविजुअल के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। ठीक है। उसमें भी 65 साल एज लिमिट है। इसकी फ़ी भी तकरीबन वो 20,000 फ़ी है। ठीक है जी। सारे याद करके मैं आपके लिए लाए, ताकि ये है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वैसे तो समझ नहीं आ रहा, तो मेरे क्या फिर वीडियो बना दूँ तो बोल कम से कम कोई समझ आए। तो ये हो गए 3 कैटेगरी, कौन सी, यूथ ग्रुप, इंडिया और एड टेक या फ्रेंचाइज सिस्टम जो भी। चौथा ये हो गया जो ऑलरेडी स्कूल चला रहे हैं इनके, पेफ के, पैमरा के, पीरा के, जो भी पीरा से रजिस्टर होता है ना, आपको पता होगा पंजाब एजुकेशन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ठीक है। पीरा या पेफ के जो भी ऑलरेडी पार्टनर हैं वो अप्लाई करेंगे, उनको तो पता होगा, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, तो उनकी भी इच्छा ही है। ठीक है। फिर आगे NGO, आप अब NGO का तो खुद NGO को पता है कैसे स्कूल लेते हैं, क्योंकि ये कैटेगरीज जो है हाई। अच्छा, इनकी फ़ी ज़्यादा है, NGO और पीरा के जो स्कूल के रजिस्टर्ड है उनके 1,00,000 फ़ी है। ठीक है जी। स्कूल वही ले सकते हैं, 7 या 8 या मे भी इतने। ठीक है।
उनके डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे ही हैं कि उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो जो जहाँ से अप्लाई करें। तो इस दफ़ा पेफ ने या पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने बहुत कैटेगरीज की हुई हैं, जिससे ये है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी स्कूल ले सकता है। मतलब ये नहीं कि पहले थोड़ा स्पेसिफिक था, जैसे सेफ की मैं बताऊं कि बहुत सालों से वो तंजीम को देते थे, अब वो इंडिविजुअल को भी देते हैं। तो बड़ी खुशी हुई इंडिविजुअल में ये कि हम अप्लाई कर सकते हैं, मैं खास करके मैं, ठीक है जी। तो ऐसे भी अभी पेफ ने जब इंडिविजुअल किया है ना, तो दैट्स अ बिग विंडो फॉर यू कि वो आप अप्लाई कर सकते हो और अचीव कर सकते हो। 7 स्कूल बहुत होते हैं, ठीक है। एक बार आप चलाओगे तो अगले थर्ड स्टेज में भी आप वो ले सकते हो और आपको एक रोज़गार मिल जाएगा और स्कूल चलाना कोई मसला नहीं है। 8 से 1 बजे टाइमिंग होगी, बच्चे भी आपके एंड इतने होंगे, स्कूल टीचर होंगे, बस कंट्रोल करना है, तो ऑफ कोर्स आपकी स्किल भी बढ़ेगी। तो ये सारी वीडियो है, ठीक है जी। अब आप मुझसे रब्ता करें या वैसे करें, मैं बहुत नॉमिनल फ़ी ले रहा हूँ, बहुत नॉमिनल फ़ी है, ज़्यादा फ़ी नहीं ले रहा, क्योंकि जब ऐसे स्कूल आते हैं तो बहुत खुशी होती है, ठीक है जी। और फॉर्म भरने की और सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरी करने की, ताकि आपको ये मिल सके। तो आप मुझसे रब्ता करके कर सकते हैं या इंडिविजुअल करें, कोई इशू नहीं है। कि इंडिविजुअल में ये है कि आपकी कोई मिस्टेक ऐसी हो गई और अप्रूव नहीं हुआ तो ये मौका गंवा देंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि मुझसे कराओ, मैंने किसी को भी नहीं कहता, खुद लोग आते हैं, ठीक है जी। तो मेरे पास, मैंने कहा सारी बता दें। और स्कूल पे मैं वैसे काम करता हूँ, कोई ये नहीं है कि मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ कि मैं अपने मकसद के लिए, लेकिन क्योंकि स्कूल का तो मैं शुरू से ही हूँ, वो 200 स्कूल मैंने बनाए हैं, दैट्स वाई। ये पेफ में भी मेरे 15-20 पंजाब साइड में मेरे हैं, ज़्यादा मेरे सिंध में हैं, फिर पंजाब में हैं, फिर केपी में कुछ हैं, और ऐसे इस तरह है। तो हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये है, अगर आपका कोई ब्लैक लिस्ट है या कोई ऐसी चीज़ है तो उसको भी देख लीजिएगा, मीन्स कोई है। लेकिन अगर आपने एजुकेशन में एक्सपीरियंस है, अभी ये जो ये चीज़ है ना, ये कोई प्रिंसिपल स्कूल का कर सकता है, ठीक है। स्कूल ऑनर हो वो कर सकता है, किसी की फ्रेंचाइज बेस्ड स्कूल हो वो कर सकता है, कोई स्कूल में टीचर है वो कर सकता है, ठीक है। कोई रिटायर्ड प्रोफेसर, जैसे मैंने बता दिया, वो कर सकता है। तो ये बहुत वाइडर कर दिया, स्प्रेड कर दिया है, और होपफुली दैट्स वेरी गुड कि आप सब कर सकते हो। एंड में सारी इन्फॉर्मेशन मैं लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो तो मैं लगाता हूँ लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं, तो अब मैं क्या बताऊँ, बोला मैं क्या कर सकता हूँ, तो बड़ा होता है। फिर मैंने कहा वीडियो बना दूँ, अब वीडियो में भी नहीं समझ आए तो फिर तो फ़ोन कर दें, फिर मैं बता दूँ, एक 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 बंदे को एक एक चीज़ बता दूँ। ये सारी चीज़ थी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैं बहुत रिलैक्सली बोल रहा हूँ, वरना मैं जल्दी जल्दी बोल के वीडियो ख़त्म करता हूँ। आज बहुत रिलैक्स होकर बात कर रहा हूँ, तो ताकि लोगों को समझ में आए, और वैसे भी समझ में आता है मेरा मेरे पास, लेकिन मैं कहता हूँ कि जल्दी स्पेसिफिक हो 2-3 है, लेकिन इस वक्त जो है ना वो कैटेगरी बहुत थी मैंने बताया। तो सारी चीज़ें मैं लगा दूंगा एंड में, वीडियो के एंड में आप पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर कोई मसला हो, कोई भी चीज़ हो, तो मैं बैठा हूँ, और रब्ता कीजिएगा। अपने ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।